लुधियाना के गांधीनगर क्षेत्र के रहने वाले एक प्रॉपर्टी एडवाइजर उनको धमकाने के मामले में क्षेत्र के भाजपा नेताओं के दबाव में पुलिस द्वारा उल्टा उन पर ही क्रॉस पर्चा दर्ज करने का आरोप लगाया है। इस संबंध में उन्होंने पुलिस कमिश्नर से मिलकर इंसाफ की गुहार लगाई है। जुनेजा ने मीडिया को बताया कि क्षेत्र के भाजपा नेता द्वारा उन्हें धमकाया गया था, जिसकी वीडियो फुटेज उन्होंने पुलिस के पास पेश की, तो आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। लेकिन आरोपी का भाई पार्टी में वरिष्ठ पद पर तैनात है, जिसने अपने साथियों के साथ मिलकर थाने का घेराव किया और पुलिस ने उसके दबाव में उल्टा उन पर ही क्रॉस केस दर्ज कर दिया। वे खुद 49 साल के हैं और उनके वृद्ध माता पिता हैं। उनके बच्चे विदेश में रहते हैं, वे यहाँ अपने माता पिता का ख्याल रखते हैं। उनकी उम्र का व्यक्ति कैसे किसी को धमका सकता है। आज उन्होंने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करके आरोपियों के खिलाफ पहले भी दर्ज मामले का रिकॉर्ड पेश किया है और इंसाफ देने की गुहार लगाई है। मैं मनोज जुनेजा, मैं प्रॉपर्टी एडवाइजर हूँ और गांधीनगर तो पिछले 43-44 साल तो रह रहे हैं। सर, सीपी साहब को आए सर, की कारण है, कौन धमकी दे रहे हैं? काउंसलर का मुंडा जेडे साढ़े बीजेपी के काउंसलर ने, उन्होंने लड़का दीपक शर्मा दीपू, उन्हें मैंने बसंत नगर 2 नंबर गली के रोक के धमकया और कुदरती मैं उत्थे अपने दोस्त में खड़ा सी और उत्थे सीसीटीवी कैमरा लग्या हुआ सी, जिदी फुटेज मैं पुलिस को प्रोवाइड की। पुलिस ने उस फुटेज के आधार पर 107, 150 और 506 का परचा दर्ज करता इन्हों के ऊपर। और इन्हे भाई साहब जड़े ने वह भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला प्रधान ने, उन्होंने अपने 60-70 साथी इकट्ठे करके थाने का घिरा किया, जिड़ी कि धारा 144 लगी हुई है, 5 बंदे तो वध आप इकट्ठे नहीं हो सकते। और इन्होंने उस कानून नू जड़ा हैगा वह लाया, मतलब उस कानून नू तजियां उड़ाइया उस कानून दियाँ। मैं प्रशासन अगे कमिश्नर साहब अगे यही बेनती करदा कि इन्हां ते जिहड़ा एक धारा जिहड़ी है होर लगाई जाए, क्योंकि इन्हां ते पहलां भी 2015 च 451 का परचा है, जिहड़ी कि इन्हां नू मैं कमिश्नर साहब नू उहदे बारे मतलब जाणू कराया कि ये जब तक मतलब एक इन्हां ते 307 का भी परचा मैनू सुनने च आया भी इन्हां कोल इन्हां ते होया, और वो कापियां जिहड़ियां सारियां प्रोवाइड करांगा। मैं प्रशासन नू ये कमिश्नर साहब नू ये बेनती करनी चाहना कि जब तक ये 302 की कार्रवाई नहीं करते, तद तक इन्हां ते की पुलिस वालों कोई कार्रवाई नहीं होएगी, कि कला बंदा इतने जीना कले बंदे का मतलब इन्होंने मुश्किल कर रखे। मैं कोई इलेक्शन नहीं लड़ना, मेरे बच्चे बाहर है, मेरे एज पेरेंट्स है, मैं उन्होंने लुक आफ्टर कर रहा, और मेरे फादर 3 महीने तो मंजे पे हैं, मेरे घर आके देख लें। जी सर, प्रशासन तो की मांग करते हो? मैं सीपी साहब नू रिक्वेस्ट की है कि जेड़ा मेरे ते प्रेशर दे विच आके इन्होंने मेरे ते पुलिस ने SHO ने क्रॉस परचा दर्ज किया, वो जस्टिफाइड नहीं हैगा, क्योंकि इन्हों को कोई उस चीज़ की फुटेज नहीं है। मैं फुटेज प्रोवाइड की है, मैं एविडेंस देता है एक पुलिस को, जबकि इन्हों कोई एविडेंस नहीं है कि ये इस प्रूव करन कि मैं इन्हों थ्रैट किया। ये मेरे आने तो पहला इन्होंने एप्लीकेशन मूव कर दिती सी कि मैनू इन्हें जुनेजे ने रस्ते च रोक के थ्रैट किया। मैं इस काबिल कि एक काउंसलर के मुंडे को हमेशा 5-10 मुंडे नाल होंगे ने, मैं एक 49 साल का बंदा जिहड़े बच्चे बाहर रहिंदे ने एज पेरेंट्स ने, जिन्हां दे शोल्डर ते मेरे शोल्डर ते एड्डी वड्डी रिस्पोंसिबिलिटी है, और मैं उस रिस्पोंसिबिलिटी नू एक साइड ते करके एक क्राइम दी दुनिया च मैं क्यों एंटर करूँगा? तो इस करके मैनू इंसाफ दिता जाए, जिहड़ा मेरे ते परचा दर्ज किया उहनू कैंसल किया जाए, तो इन्हां दे खिलाफ जिहड़ी बनदी कार्रवाई की जाए। उस तो अलावा जिहड़ा इन्हां ने धारा 144 तोड़ी है वो इन्हां ते परचा दर्ज किया। लुधियाना से विशाल धल की रिपोर्ट, जनहितेशी।